अभ्यर्थी बेहोश पड़े हैं, फिर भी कोई सूद लेने के लिए नहीं यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा क्या देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो कि अनिसुर रहमान है सीटेट पीटेट के अभ्यर्थी, इनको बीते दिनों भी पीटा गया था और कहीं ना कहीं फिर पुलिस जो है इनको उठा के ले जा रही है। ये देखिए किस तरीके से घायल अभ्यर्थी हैं, तस्वीर है यू कार्यालय के बाहर, इनको हटाया जा रहा है, उठा के ले जाया जा रहा है, प्रशासन जो है अरेस्ट कर रही है। देखिए माता पिता है, मेरी मौजूदगी अभी जदयू कार्यालय के बाहर है जहाँ पर सीटेट बीटेट के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, देख सकते हैं ये सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और हमेशा पटना की सड़कों पर ये रहते हैं और हमेशा यह मांग करते कि हमारी बहाली हो जाए, लेकिन 3 साल से इनकी बहाली नहीं हो रही है। सरकार बस आश्वासन देती है, आश्वासन सिवा कुछ नहीं होती है। वहीं बता दें आपको लालू प्रसाद यादव ने भी यह कहा था कि बहाली होगी, लेकिन बहाली नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं लगातार ये अभ्यर्थी परेशान चल रही है। देखिए दंगा नियंत्रण का जो गाड़ी है वो लगा हुआ है, एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम पुलिस प्रशासन जो है इन अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो लगातार डटे हुए हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो मजिस्ट्रेट है वो मौजूद है, यहाँ के जो स्थानीय है पुलिसकर्मी है जो वो मौजूद है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे, क्या नाम है मैम? संध्या कुमारी। प्रदर्शन कर रही है, क्यों कर रही है? सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हम लोग 3 साल से सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, नोटिफिकेशन 7 पेज के नोटिफिकेशन के मांग हम लोग का मांग है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहाली करेंगे महीनों लग बहुत जल्द, आश्वासन कब, एक डेट फिक्स कर दे सरकार हम लोगों के कि इस दिन नोटिफिकेशन देंगे, इस दिन सरकार सुन ही नहीं रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, हम लोग का 7 पेज नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी हाल में। प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन जो है हटा रही है हमेशा, सरकार जो है कहती है कि महीनों लग सकते हैं, कभी हो सकता है बहाली, लेकिन नहीं हो रहा है। अभिषेक जी आप तो शुरू से ही गर्दनी बाग से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपको तो पता ही है कि अगस्त से ही आंदोलन ये लोग कर रहे हैं जिसमें कि आश्वासन मिल रहा था, अभी भी तो वही मिल रहा है, महीनों लग सकते हैं, कितना महीनों लग सकते हैं, 12 महीने का भी तो साल हो जाता है, ये तो डिकोड कर सकते हैं कि हाँ नवंबर में दे सकते हैं, अक्टूबर में दे सकते हैं, लेकिन नहीं, महीनों लग सकते हैं, उसमें ही रीजनिंग बना दी अपने आप को। तो एक प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बहाली होगी, लाखों बहाली होगी, जी जी लाखों बहाया जा रहा है। देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से ये सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अनिसुर रहमान है और पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अब लाकर गुस्सा गए हैं और कहीं ना कहीं इनको हटा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो अनिसुर रहमान जो कि सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी थे और कहीं ना कहीं बीते दिनों पटना के डाक मंगला चौराहा पर देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो कि अनिसुर रहमान है सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी, इनको बीते दिनों भी पीटा गया था और कहीं ना कहीं फिर पुलिस जो है इनको उठा के ले जा रही है। ये देखिए किस तरीके से घायल अभ्यर्थी हैं और कहीं ना कहीं लगातार अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, सिर फूटा हुआ है और कहीं ना कहीं जख्म जो है वो अभी भी वैसा ही है, लेकिन बहाली की मांग कर रही थी अभ्यर्थी, उठा के ले जाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन बुला रही है। ये तस्वीर जो है पटना के जदयू कार्यालय के पास की है जहाँ पर तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी को जो है उठा के ले जाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तस्वीर है जदयू कार्यालय के बाहर, इनको हटाया जा रहा है, उठा के ले जाया जा रहा है, प्रशासन जो है अरेस्ट कर रही है। देखिए माता पिता हैं इनके और कहीं ना कहीं इनको उठा के ले जा रहे हैं प्रशासन। तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन उठा के ले जा रही है और ये तस्वीर आपके सामने है जहाँ जदयू कार्यालय के बाहर की है जहाँ अनिसुर रहमान को उठा के ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो अभ्यर्थियों को उठा रही थी, समझा रही थी, लेकिन अभ्यर्थी नहीं समझ रहे, जिसके बाद अनिसुर रहमान जो कि सीटेट बीटेट के विरुद्ध उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है पुलिस प्रशासन। देखिए तमाम जो उनके माता पिता हैं वो हैं और कहीं ना कहीं लिपटे हुए हैं अपने में, देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो जदयू कार्यालय के बाहर की, जहाँ पुलिस प्रशासन जो उठा के ले जा रही है। देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उठा के ले जा रही है। देखिए
सड़क पे लेट गए हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से काफी परेशान है, कहीं कहीं बेहोश हो रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, हालत खराब है। प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश कर रही है। देख रहे हैं किस तरह से अपने रवैया अपना रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है यहाँ पर, अभ्यर्थी बेहोश पड़े हैं फिर भी कोई सुध लेने के लिए नहीं यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं हटा रही है और कहीं ना कहीं देखिए तमाम अभ्यर्थी काफी परेशान हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अंशु रहमान जो कि सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी थे बीते दिनों बड़ा बंगला चौराहे पे काफी घायल हुए थे, जो पहले सिटी मजिस्ट्रेट थे के सिंह उनके द्वारा इनको बड़बड़ता पूर्वक पीटा गया था और उसके बाद इनकी हालत गंभीर हो गई थी और कहीं ना कहीं जिसके बाद ये पटना पहुंचे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे जदयू कार्यालय के बाहर, लेकिन इनको प्रशासन जो है हटाने की कोशिश कर रही थी, नहीं हट, लेकिन फिलहाल हटाया जा रहा है इनको। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम अपने माता पिता और तमाम लोगों के साथ ये है और ये देखिए किस तरीके से बेहोश हैं, कहीं ना कहीं सिर में काफ़ी चोट लगी थी और कहीं ना कहीं लगातार बहाली की मांग कर रहे थे और हमेशा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए सीटेड बीटेड की जो अभ्यर्थी और कहीं ना कहीं बहाली की मांग कर रहे थे, ये उनकी माँ है, उनकी माँ है और कहीं ना कहीं ये देखिए अंशु रहमान के माता पिता हैं, इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार मार दी है, हमारे बाल बच्चे को रोजगार नहीं दे रही है, जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, हक मांगते हैं तो कहीं ना कहीं बहाली नहीं होता है। इनकी माता का कहना है कि पब्लिक के लिए सरकार बना है और कहीं ना कहीं पब्लिक लोगों की मतलब आम जनता की बातें सरकार नहीं सुन रही। देखिए ये तस्वीर जो है जदयू कार्यालय के बाहर की है, जहाँ पर लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, फिलहाल बहाली की मांग कर रहे हैं तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी, हमेशा प्रदर्शन करते हैं। बीते दिनों के सिंह के द्वारा पटना के डाक बंगला चौराहा पर पीटा गया था और कहीं ना कहीं काफी घायल हुए थे, जिसके बाद अंशु रहमान की हालत जो है काफी नाजुक थी और कहीं ना कहीं पटना की सड़कों पर उतर थे जदयू कार्यालय के बाहर, लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रही थी, नहीं हट रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे और बहाली की मांग कर रहे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।